देश की राजधानी दिल्ली में महंगाई को लेकर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में जुटेंगे और बीजेपी सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए ग्वालियर चंबल अंचल से भी लगभग 10,000 कार्यकर्ता बसों में सवार होकर 3 सितंबर को रवाना होंगे। 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होंगे। ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने महंगाई को लेकर भाजपा पर एक के बाद एक कई जुबानी हमले बोले। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई से त्रस्त है, इसलिए जनता की आवाज उठाने और विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हम लोग दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। सीएम के दिल्ली दौरे पर भी नेता प्रतिपक्ष ने सवालिया निशाना खड़ा करते हुए कहा कि विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाजपा सीएम बदलने वाली है। उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी जमकर भ्रष्टाचार कर रही है, इसलिए एक भ्रष्टाचारी जाएगा तो उस कुर्सी पर दूसरा भ्रष्टाचारी आ जाएगा। उन्होंने विवादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि एक जाएगा तो दूसरा उसकी जगह पर आ जाएगा। भाजपा के लोग जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और दिल्ली जाकर केंद्र के नेताओं को भ्रष्टाचार का पैसा देकर उन्हें खुश करने में लगे हुए हैं। उन्होंने यह जवाब अभी हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात और उसके बाद सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर दिया है। साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई के छापे पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं को हजम नहीं कर पा रहे हैं, वे सिर्फ अपना वर्चस्व चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी के नेताओं उन्हें सीबीआई और ईडी से डरा कर रखना चाहते हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उपयोग कर रही है। उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष के नेता हैं। कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी बेहद उत्साहित हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष 16 सितंबर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले पहुंचेगी। यहां कांग्रेस के नेता उसकी अगुवाई करेंगे। इस यात्रा में भाजपा को छोड़कर देश के सभी विपक्षी दलों को शामिल होने का न्योता दिया गया है। इसके अलावा सामाजिक संगठनों को भी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। यह यात्रा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के रास्ते वापस दिल्ली पहुंचेगी। प्रत्येक जिले के 100 कार्यकर्ता इस यात्रा में जुड़ेंगे। सोनिया गांधी जी ने पूरे प्रदेश से मध्य सभी देश प्रदेश के राज्यों से और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से दिल्ली चलो, महंगाई पे हल्ला बोलो और 3 सितंबर को यहाँ से पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता साथी भाई बहने मित्र सब लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत के प्रधानमंत्री की नींद जगाने के लिए, कुंभकर्णी नींद को जगाने के लिए विशाल रैली कर वहाँ हल्ला बोलेंगे और महंगाई से निदान के लिए सरकार को सचेत करेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग से अनुमान है जो अभी हम 10,000 से आदमी अधिक जाना चाहिए।